हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी जब कराई जाती है तो आपको पेन क्यों दिया जाता है, क्यों आपको इतनी तकलीफ़ें दी जाती है, क्यों नहीं यूनिवर्स आसानी से स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी करा देते। देखिए, पेन क्या होता है? पेन होता है, हमें अंदर से मजबूती प्रदान करता है। मैं आपको थोड़ा सा खोल के बताऊँगी। देखिए, जब एक इंसान को कोई भी चीज़ बहुत आसानी से, बहुत जल्दी जल्दी, देखिए एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा है अगर, और बहुत वो अच्छी फैमिली में पला बड़ा है, उसने अपनी लाइफ में सब कुछ दिया, उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत पैम्पर करा है, और वो बच्चा किसी ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पर उसको डांट फटकार का सामना करना पड़े, गाली गलौज का सामना करना पड़े, मारपीट का सामना करे, तो वहाँ पर ना उस बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तकलीफ़ होगा। वो बच्चा जो है, वो बेबी जो है, जो भी इंसान है, वो अब बड़ा हो चुका है, वो टूट करके बिखरने लगेगा। ठीक है, वो टूट करके बिखर जाएगा। लेकिन अगर आपको एक बच्चा ऐसा है, उसने ज़्यादा पैम्परिंग नहीं देखी, उसे एक नॉर्मल लाइफ जी है, और आगे भी उसको ऐसे ही लोग मिल जाते हैं, तो वो जो बच्चा है ना, वो लोगों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखता। उसको पता है, क्योंकि वो उम्मीदें रखे, वो रखेगा भी तो कैसे, क्योंकि उसने लाइफ में पैम्परिंग देखी ही नहीं होती है। जब हम लाइफ में पैम्परिंग फेस कर लेते हैं, तो उसके बाद जब पेन आता है ना, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए लाइफ में अगर थोड़ा दुख आता है ना, तो उसको झेलना सीखे। दुख आना, दुख के बाद जब सुख आता है, तो एक अलग ही सुख की अनुभूति होती है। लेकिन जब सुख के बाद दुख आता है ना, वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, वो बर्दाश्त करना बाहर हो जाता है। तो कहते हैं ना कि दुख तो सबके जीवन में आता है, दुख पहले आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाद में जो जीवन है वो सुख का व्यतीत होता है। लेकिन अगर सुख भोग कर बाद में दुख आता है, तो वो जो दुख है वो हमारा जीवन बिल्कुल नष्ट कर देता है। इसलिए जब जीवन में दुख आते हैं, तो ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि वो दुख ही आपको मजबूत बनाता है, वो दुख ही आपको सहनशील बनाता है, वो दुख ही आपको हिम्मत प्रदान करता है। इसलिए दुख से कभी घबराए नहीं, दुख के समय में ईश्वर का स्मरण करते रहे, क्योंकि दुख ही आपको हिम्मत देगा, दुख ही आपको ताकत देगा, यही आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा। और इसके बाद जो आपके जीवन में सुख है, उसकी उसका आनंद आप बहुत अच्छे से ले सकेंगे, उसकी सुख की अनुभूति बहुत अच्छे से ले सकेंगे। मान लीजिए अगर पहले भी सुख था, अब भी सुख है, तो सुख का पता ही नहीं चलेगा क्या होता है, सुख पता ही नहीं चलेगा ना, है ना। आपसे मैं एक बात और बता दूँ, जो लोग सुख 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 में ही रहते हैं ना, वही लोग आगे जाकर ना गलत चीज़ों में पड़ते हैं, और जो लोग दुख में रहते हैं वो लोग ज़्यादा गलत चीज़ों में नहीं पड़ते, क्योंकि वो अंदर से ही पहले टूटे हुए होते हैं, उनके पास इन चीज़ों के लिए समय ही नहीं होता गलत चीज़ों के लिए। ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग सुखी होते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें, जो बच्चों को हर एक चीज़ अच्छे से मिलती है, तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती, तो वो अलग अलग चीज़ें ट्राई करने के लिए उसका मन उत्सुक होता है, अलग अलग चीज़ें करूँ मैं, अलग अलग चीज़ें करूँ मैं। लेकिन जो बच्चा बहुत एक लिमिटेड माहौल में पला है, तो वो इन चीज़ों की तरफ भागता ही नहीं है, ये नेचर बन जाती है अपने आप में, है ना। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग।